हेलो बच्चा लोग, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बीआरएस के अंदर कुछ सम सॉल्व करने शुरू कर दिए थे और हमने पहली कैटेगरी को कवर किया था, पहली और दूसरी कैटेगरी, जहां पर हमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक जो दिया जा रहा था वो सम्स मैंने साइमल्टेनियसली कवर किया, राइट? क्या तो अभी तक का अपना स्टेटस क्या होना चाहिए, आप लोगों ने एक बार अपने साइड से एक इंडेक्स बना लेना चाहिए। उस इंडेक्स में आप लोग नोट कर लो कि आपके इलस्ट्रेशन कौन से हुए हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब आपका सेक्शन वन और सेक्शन टू के कौन से क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे हुए हैं। ऐसा मैं जनरली इंडेक्स बनाने के लिए कहता हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो लोग को एक वैसा इंडेक्स एक बनाकर फटाक से यहाँ पर दो कॉलम बनाते हैं नीचे, एक कॉलम कौन सा आता है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर, और उसके अंदर दूसरा आता है आपका पेज नंबर। वैसे यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर और दूसरा आएगा आपका पेज नंबर। तो इस तरीके से आपको वापस कॉलम्स बना लोगे। अब आपको होता है आपके पास जो इलस्ट्रेशन है, समवॉट आपका इस तरीके का टेबल बनेगा जिसमें सेक्शन वन इलस्ट्रेशन आएंगे, सेक्शन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, और आपको इंडेक्स कैरी करोगे पूरे चैप्टर के अंदर, जहां पर आप समझे कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ है और कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपने आपके रजिस्टर के पेज नंबर पे सॉल्व किया होता है। अकाउंट्स के रजिस्टर को अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन करना है। बड़ा इलस्ट्रेशन में एक फिलहाल वो मिस्टेक है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करना रहने दीजिए। जो आपके इलस्ट्रेशन सेक्शन वन में उसमें दो बार टू आ गया है, सो मेक इट वन टू टू थ्री, ऐसे करके आपके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल 12 इलस्ट्रेशन है। लेट्स चेक इट आउट क्विकली। आप देख सकते हो कि आपके पास टोटल जो इलस्ट्रेशन के नंबर है, राइट, सो आप लोगों के टोटल इलस्ट्रेशन जो है वो 11 है। सो आप 1 से लेकर आपके जो भी इलस्ट्रेशन आ रहे हैं फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स आप कहाँ तक खींचेंगे, दैट इज 11 तक, और आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है 11-12 हो गए एक्चुअल में, तो जो 2-2 है, बट आप उसको कट मत करें, रहने दें 2-2 करके 11 तक, और 1 से लेकर आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 16 तक है। तो इस तरीके के आपके सम्स हैं, उसमें से जैसे जैसे हमारे सम्स होते जाएंगे आप उनके सामने पेज नंबर अपडेट करते जाओगे, जैसे जैसे सम कवर होते जाएंगे आप वहाँ पे लिख के रखेंगे। स्टिल आपको अगर कुछ सम्स में मैं जो आपको होमवर्क दूंगा रेगुलर बेसिस पे, उस पर जो डाउट्स रहेंगे वो हम लोग हमारे क्लास के फिजिकल लेक्चर्स में जब मिलेंगे तब हम उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट वाइज एक एक तरीके के सम्स कवर करा रहा हूँ। एवरीवन विद मी, श्योर बढ़ूँ आगे? चलो, सो अभी तक का अगर मैं डिस्कशन करूँ तो अभी तक की हमारी पोजिशन क्या हो चुकी है। हमने इलस्ट्रेशन 1 कवर किया है, इलस्ट्रेशन 2 कवर किया है, पहला वाला 2, एवरीवन विद मी, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था दैट वाज 1 जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले लेक्चर में, 1 के बाद मैंने 4 मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 6 और 8 आपको होमवर्क दिया जा चुका है। तो इतने नंबर के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो मैं बेसिक कैटेगरी है, यहाँ पर बेसिक कैटेगरी जो है आपके कौन से सम्स के हैं, जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जा रहे थे कि आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता था, राइट? क्या अब मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए सम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा, तो 5 कैटेगरी में कौन से सम्स आएंगे पहले वो समझ रहे हैं। तो बेटा आपके जो 5 कैटेगरी के क्वेश्चन है वो कैसे हैं, पहला कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके, वो जहां पर आपको क्या दिया रहेगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, इस तरीके के सम्स आएंगे जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा दूसरी कैटेगरी के जो सम्स रहेंगे उसमें दिया जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तीसरी कैटेगरी के जो सम्स आपको मिलेंगे वहां पर मिलेगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। चौथी कैटेगरी के सम्स जो रहेंगे वहां पर आपको मिलेगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब बोल के सर इसमें क्या नई बात है, तो हमें पता है हमने ऐसे ही तो किया हुआ है ना। बेटा पूरा सुन लें, ये तो होते थे, बट इधर सीए फाउंडेशन लेवल पे जो आपको नया कैटेगरी यहाँ पर मिलेगा दैट इज फिफ्थ, जिसको हम नाम देंगे अमेंडेड या फिर एडजस्टेड कैश बुक वाले सम्स। ये जो फिफ्थ कैटेगरी है यही आपके चैप्टर में कुछ नई है, मतलब आपके इसमें जो मैंने कहा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि 11th के कंपैरिजन में जो आपको बीआरएस चैप्टर इधर मिलता है सीए फाउंडेशन लेवल में, सो दिस इज द, आप बोल सकते हो वाइल्ड कार्ड एंट्री, नई एंट्री आपके इसमें, पीछे से जो अलग से पार्ट है वो ये वाला है। सो आपको इस 5 तरीके के सम्स आएंगे। मैंने मेनली पहले 2 कैटेगरी के सम्स कवर किए, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए कवर, कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स बाकी है बट अब वो हम डिस्कस करेंगे ओवरड्राफ्ट वाले सम्स, जब हम डिस्कस करेंगे उसके साथ शिफ्ट करेंगे। सो मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में ओवरड्राफ्ट का एक सम कवर करा के दूंगा, हम लोग अभी ओवरड्राफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि आपके बैंक बैलेंसेस एज पर कैश बुक और पासबुक ऑलरेडी कवर हो चुका है, राइट? तो इंडेक्स बना के रखें और अब एक एक करके समझिए हम कैटेगरी कैसे कवर करेंगे। डन,
सो हम शुरू करेंगे फिलहाल आज जो हमारा सम शुरू होगा वो इलस्ट्रेशन सेकेंड वाला टू, मतलब जो दूसरी बार टू आया हुआ है। आ जाए क्विकली अपने नोट्स ओपन करें तब तक जब तक और क्वेश्चन रीड करें आगे तब तक। So, आप देख सकते हो आपके सामने जो अगला इलस्ट्रेशन है टू वाला, दैट इज सेकंड इलस्ट्रेशन टू, उसके ऊपर सब लोग आ गए क्या? चलो देखो क्या बोले, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। असर्टेन करने बोले किसका बैलेंस? बैंक पासबुक का, एज ऑन 31st ऑफ मिस्टर ए, एज ऑन 31st दिसंबर 2017। अब देख सकते हो आपको कहा गया वहां बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक On 31st December was 6340। अब आपको यहीं पे समझ जा रहा है कि आपका ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक 6340 something। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं, पहले बैकग्राउंड समझने के लिए। बच्चा लोग होता क्या, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, वापस आ जाते हैं, सबको पता होगा ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, मतलब हमने हमारे बैंक अकाउंट में से जितना बैलेंस होना चाहिए था उससे एक्सेसिव अमाउंट क्या कर लिया हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब मैंने आपको कहा था कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, होता क्या है जब भी मैं बीआरएस बनाने की बात कर रहा हूँ तो बेसिक सिचुएशन क्या है कि मेरे दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे। कौन से दोनों बैलेंसेस? बैलेंस एज पर कैशबुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं कर रहे। यही कारण है जिसके लिए मैं क्या प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जब मेरे दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे, कौन से दोनों बैलेंसेस? कैशबुक और पासबुक का, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इससे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बैलेंसेस तो मैच नहीं हो रहे, चलो ठीक है दोनों अमाउंट अलग दिख रहा है, बट मेरा कैशबुक इस बार बैंक बैलेंस नहीं दिखा रहा, इस बार ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट इन आवर सिनेरियो। अब क्या कह रहा हूं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, बट कैशबुक का क्या है? कैशबुक है, बट कैशबुक का कौन सा बैलेंस है? बैलेंस कौन सा है? ओवरड्राफ्ट। जैसा मैं एक बार एक वर्ड डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, नेचर क्या है बैलेंस का, तो बैलेंस का नेचर क्या है, वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो अब वापस आ जाता है इलस्ट्रेशन टू की बात कर रहे हैं, और इलस्ट्रेशन टू में अब एज यूजुअल ऊपर पूरा टेबल बनाओगे, और यहाँ पर आपका सीधा टेबल में मेन पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ओवरड्राफ्ट है आपके पास एज पर क्या है, कैश। अभी सम सीखते सीखते हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिक पॉइंट पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, चलेगा? स्टार्ट करें। सो आपको क्वेश्चन में बता दिया कि ओवरड्राफ्ट एज पर आपका क्या है, कैशबुक है, और अमाउंट जो है वो 6340 रुपीज है। अब इसमें आप कुछ आइटम्स ऐड करोगे, अब इसमें आप कुछ आइटम्स लेस करोगे, इजंट इट सो? बट जो आप ऐड और लेस करोगे, ऐड और लेस करोगे इसमें से कुछ आइटम्स, आपको बैलेंस कौन सा मिलेगा, किसका बैलेंस मिलेगा, दैट इज कैशबुक से शुरू किया था तो बैलेंस किसका मिलेगा, पासबुक। पर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट है, बैंक बैलेंस है। पासबुक में क्या है वो सम सॉल्व करने के बाद मिलेगा, आराम से समझ में क्या कर रहा हूं। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो ऑब्वियसली एडलेस करके जो भी अमाउंट मिलेगी दैट विल बी पासबुक का बैलेंस, बट पासबुक में बैंक बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है ये मैं नहीं कह सकता अभी के लिए। इस सम सॉल्व होने के बाद मुझे पता चलेगा कि पासबुक में एग्जैक्टली बैंक बैलेंस था कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। अरे कुछ नहीं, इसके लिए मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट भी रूल लिखा हुए थे, ऐड और लेस करके पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा है आंसर, उस पर समझेगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल वो दूसरा पॉइंट है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले ना आज हम ओवरड्राफ्ट वाले सम्स का थोड़ा बहुत ही अच्छा सा मस्त वाला लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक है, तो मैंने आपको रूल्स लिखा हुए थे, रूल्स में क्या लिखा हुआ था हमने अगर आपको याद रहेगा, तो जो इसके लिए रूल था ओवरड्राफ्ट के लिए, तो ओवरड्राफ्ट के रूल्स क्या थे कि जो नॉर्मल रूल्स थे बैंक बैलेंस वाले रूल्स, वही रूल अप्लाई करो और आंसर को रिवर्स कर दो, मतलब अगर आंसर आपका ऐड आ रहा होगा तो आप लेस कर दोगे, लेस आ रहा होगा तो ऐड कर देंगे। मतलब अगर ये बैंक बैलेंस वाला सम होता तो क्या करना पड़ता, ओवरड्राफ्ट वाला सम भले बट मैं अज्यूम करो कि बैंक बैलेंस वाला सम होता तो क्या करना पड़ता, अगर बैंक बैलेंस वाला सम होता और आंसर अगर ऐड आता तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट इसलिए उसे रिवर्स करके लेस कर देंगे, अगर आंसर बैंक बैलेंस वाले सम में लेस आता तो हम उसे रिवर्स करके ऐड कर देंगे। क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पे, क्या आप समझ पा रहे क्या चल रहा है यहाँ पर? एवरीवन
डन। ये तो था मैकेनिकल पार्ट, पर हम यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी करेंगे। पर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में एक एक करके ट्रांजेक्शन रीड करूंगा और रीड करने के बाद हम डिटेल में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कवर करने की कोशिश करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? बढ़ूंगा मैं, देखें अब आप वहां पे देख सकते हो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर क्विकली। आपको दिया गया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर सिक्स मंथ्स एंडिंग 31st December 2017 160 इज एंटर्ड इन पास बुक। अब कितने पीरियड का इंटरेस्ट था आई डोंट केयर, क्या चीजें थी, अब वो आजू बाजू की 80% चीजें इसमें इरेलेवेंट है। अपना सम कैसे होता है, अभी आप पहले भूल जाओ कि ओवरड्राफ्ट है। ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट वाले सम हम बहुत सिंपल वे में समझते हैं, बाहर काफी बच्चे आपको मिलेंगे जो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे और बहुत डरेंगे, अरे सर ओवरड्राफ्ट है नहीं जानता, ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस वाले सम तो समझ जाते, ओवरड्राफ्ट नहीं समझता। बिल्कुल चिंता मत करें, हम ओवरड्राफ्ट एकदम मस्त और डिटेल में समझेंगे, सिर्फ थोड़ा साथ चाहिए आपका, कॉन्सेंट्रेट करना है थ्रू आउट मेरे डिस्कशन के अंदर। बेटा अगर आपका नॉर्मल सम होता, मतलब ओवरड्राफ्ट वाला सम ये भले छोड़ दो, बैंक बैलेंस वाला सम होता, तो तू क्या करता फटाक से बताइए, 160 ऐड होता कि लेस होता, क्या डिस्कशन करें। चलो ठीक है, आपका जो भी आंसर आया ऐड या लेस पकड़ के रखें, अपन डिटेल डिस्कशन में आते हैं। अगर बैंक बैलेंस होता तो क्या होता, पहली बात हमारे हमें पता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, कैश बुक, मतलब मैं कैश बुक हूं और मुझे इसे एडलेस करके बदल के खुद को किसके जैसा बनाना है, पासबुक जैसा बनाना है। तो दूरियां कहां से कहां तक तय करनी है, कैश बुक से पासबुक की तरफ। तो हम सही किसको पकड़ते हैं, पासबुक को। मैं सामने किसके तरफ जाना चाहता हूँ, पासबुक की तरफ। वापस आते हैं, मैंने पासबुक को सही पकड़ा है, एवरीवन विद मी। अगर मेरे लिए पासबुक सही है, ये ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझता है, ये ट्रांजेक्शन में फैक्ट क्या है, 160 रुपीज का मुझे क्या लग चुका है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट मेरा चार्जेस है, किसने लिए ये मेरे से इंटरेस्ट, किसने चार्जेस लिए मेरे से, बैंक ने। तो ये पेमेंट है कि रिसिप्ट है, आप ही बताइए क्या है, पेमेंट है। किसने कट किया ये पेमेंट, बैंक ने। कहां दिख रहा है ये, पासबुक में। कहां नहीं दिख रहा, कैश बुक में। एवरीवन विद मी, मेरे लिए सही कौन है, पासबुक। पासबुक जैसा बनना है, पासबुक ने रिकॉर्ड किया है कि इस पेमेंट को, यस। तो मुझे पासबुक जैसा बनना है, तो पासबुक ने रिकॉर्ड किया तो मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, मतलब मैं इसे क्या करूंगा, रिकॉर्ड किसे कर रहा हूं, पेमेंट को। तो कैसे रिकॉर्ड करूंगा, लेस करके। तो आंसर क्या आएगा, लेस। अरे आंसर क्या आएगा, लेस। और नॉर्मल सम होता, मतलब बैंक बैलेंस वाला सम होता, तो आंसर क्या आना चाहिए, लेस। बट ये ओवरड्राफ्ट वाला सम, इसका आंसर क्या आएगा, एड। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सिंपल है, नॉर्मल सम के रूल्स अप्लाई करना है और आंसर को रिवर्स कर देना है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रिकॉर्डेड, या फिर आप बोल सकते हो इसको डेबिटेड इन पासबुक ओनली। कितना रुपीज आया, 160। डन। ये आ गया मैकेनिकल वाला रूल। अब कॉन्सेप्चुअल रूल के ऊपर आता हूं, अगर आप कॉन्सेप्चुअल रूल ने साथ समझ सकते, बहुत मजेदार है, समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर कॉन्सेप्चुअल रूल के ऊपर हम 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्चुअली चलता है, यार इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना था मेरा, 160। अब बैकग्राउंड समझा रहा हूं, मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से कैशबुक कह रहा है कि 6,340 इज नेगेटिव बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट है। ये बैलेंस किसका है, कैशबुक का। मुझे किसके जैसा बनना है, पासबुक, मतलब 2 मिनट में आराम से। अब यहां पर वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आपको ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ता है बैलेंसेस के ऊपर, कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है वो समझना जरूरी है। अब 160 रुपीज का एक पेमेंट है जो कहां डिडक्ट हो चुका है, पासबुक में, मतलब पासबुक में 160 रुपए का पेमेंट दिख रहा है। एवरीवन विद मी, जब मेरे पास सामने क्या है, कैशबुक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे कैशबुक में 160 का पेमेंट नहीं दिख रहा। अब बाउंसर अब पकड़, यहां पर 160 रुपीज का पेमेंट कहां नहीं दिख रहा है, कैशबुक में। पर मैं कैशबुक का जो 6340 इसको एनालाइज करके किसके जैसा बनाने की बात कर रहा हूं, पासबुक जैसा। तो पासबुक जैसा अगर मुझे बैलेंस निकालना है, तो मैं पासबुक जैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। लैंग्वेज को कर बैठ अच्छे से, पासबुक जैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। मतलब पासबुक ने अगर 160 का पेमेंट दिखा, तो मैं भी वो पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा बाउंसर पकड़। अगर मैं 160 का पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसका मेरे बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
आज तक तूने क्या बोला है कि पेमेंट रिकॉर्ड करना मतलब क्या करना, लेस करना, क्योंकि नॉर्मली पेमेंट रिकॉर्ड करने से, बुक्स में पेमेंट दिखाने से तेरे बैंक का बैलेंस कम हो जाता है, मानता है क्या? पेमेंट से बैलेंस कम होगा, बट यहां पर ओवरड्राफ्ट है यार, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओवरड्राफ्ट है। अब तू खुद समझ, मतलब एट प्रेजेंट ओवरड्राफ्ट मेरे कैश बुक के हिसाब से कितना है, 6340। क्या उसमें 160 का पेमेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो पासबुक में दिख रहा था। तो आज भी मैं उस 160 का पेमेंट मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करूं बेटा, तो मेरे बुक्स में 160 का पेमेंट रिकॉर्ड करने से अगर बैंक बैलेंस होता तो पेमेंट रिकॉर्ड करने से बैंक बैलेंस कम हो जाता, पर पेमेंट रिकॉर्ड करने से ऑर्डर बढ़ जाता है बेटा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बैलेंस एट प्रेजेंट 6340 ओवरड्राफ्ट है, ऑलरेडी खाते में नेगेटिव बैलेंस है 6340 का, बैलेंस मेरा नेगेटिव दिख रहा है 6, और अगर 160 रुपीज में और ऐड करता हूं, मतलब और पेमेंट दिखा दो, पेमेंट ऐड के पहले ये समझे, और 160 का पेमेंट दिखा दो, तो 160 का पेमेंट दिखाने से उल्टा बैलेंस और नेगेटिव चले जाएगा। मतलब ये ऐसा हो गया कि मेरा पहले से बैलेंस 6340 नेगेटिव है, नेगेटिव और पेमेंट लेस होते, मैं मना नहीं कर रहा, पर पेमेंट लेस होते, बट पेमेंट कितना लेस होगा 160, तो यहां पर माइनस, ये और हमेशा माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो माइनस में अगर तू कुछ और माइनस करेगा तो तुझे पता है अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब तेरा बैलेंस कितना हो गया 6500 रुपीज तेरा एक्चुअली ओवरड्राफ्ट हो गया, इसका मतलब कब, 160 रुपीज का पेमेंट दिखाने के बाद। इसे तो अल्टीमेटली देख रहा है क्या, इस बैलेंस में अगर मैं देखूं तो माइनस माइनस प्लस होने की वजह से अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, तेरा ऐड हो रहा है। मतलब आप समझे, जब मैं ओवरड्राफ्ट के अंदर बात कर रहा हूं तो दिस इज ऑलवेज अ नेगेटिव फिगर, इसलिए आंसर आपका रिवर्स हो रहा है, जो आइटम माइनस होने वाला है वो क्या हो जा रहा है, ऐड, जो ऐड होने वाला है वो क्या हो जा रहा है, माइनस। मतलब क्या, जो आइटम माइनस होने वाला है उनको पेमेंट दिखाना था, उससे तेरा बैलेंस बैंक बैलेंस के केस में बैंक बैलेंस घटना चाहिए था, पर बैंक बैलेंस घट रहा है, मतलब ओवरड्राफ्ट के केस में तेरा ओवरड्राफ्ट और खड्डे में जा रहा है तू, और तेरा नेगेटिव बैलेंस बढ़ रहा है। मतलब इसके पहले बैंक को देखो 6340 देने बाकी थे, नाउ यू हैव टू पे 6500, तेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया, इसलिए जो माइनस होता है नॉर्मल केस में यहाँ पे ऐड होता है, क्योंकि उससे ओवरड्राफ्ट बढ़ता है। लेस कौन सा आइटम होंगे यहाँ पे, लेस उल्टा होगा, कौन सा आइटम होंगे, समझो कोई रिसिप्ट हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो नॉर्मली रिसिप्ट रिकॉर्ड कैसे की जाती थी, ऐड करके। अब रिसिप्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा तो तेरा पहले से बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट है, अगर तू रिसिप्ट रिकॉर्ड करेगा तो जितना रिसिप्ट रिकॉर्ड करेगा उतना तेरा ओवरड्राफ्ट कम होता जाएगा, इसलिए बैंक बैलेंस के केस में रिसिप्ट रिकॉर्ड करता ऐड होता था, क्योंकि रिसिप्ट से तब बैंक बैलेंस बढ़ता था। ओवरड्राफ्ट के केस में जब तू रिसिप्ट रिकॉर्ड करने जाएगा तो रिसिप्ट रिकॉर्ड करने से तेरा ओवरड्राफ्ट घटेगा, कम होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा सा, क्लियर है पक्का? रिवर्स करना, ये तो सबको मैकेनिक नहीं समझता है, लॉजिक समझ रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आइटम नॉर्मली ऐड होती थी, मैं एक ही केस का एग्जांपल है, ऐड कब होता था, ऐड होने के दो रीजंस थे, बट एक क्या था, रिसिप्ट दिखाता हुआ ऐड होता था और एक पेमेंट कैंसिल करते हुए ऐड होता था, बट फिलहाल के लिए मैं रिसिप्ट का डिस्कशन कर रहा हूं कि रिसिप्ट को आप ऐड क्यों करते थे तभी, क्योंकि रिसिप्ट दिखाने से बैंक बैलेंस बढ़ता था, पर ओवरड्राफ्ट के केस में अगर तू रिसिप्ट रिकॉर्ड करेगा तो रिसिप्ट रिकॉर्ड करने से ओवरड्राफ्ट कम होगा, इसलिए जो उधर ऐड होता था वो यहां पर लेस हो जाएगा। अब जैसे लेस करने में दो रीजंस होते थे, तो पेमेंट रिकॉर्ड करने में करते वक्त लेस होता था और एक रिसिप्ट कैंसिल करते वक्त लेस होता था, बट फिलहाल मैं पेमेंट की बात कर रहा हूं। जब पेमेंट रिकॉर्ड करता था तो तू नॉर्मल बैंक बैलेंस के केस में लेस करता था, क्योंकि पेमेंट रिकॉर्ड करने से बैंक बैलेंस कम हो जाता था, इधर पेमेंट जब रिकॉर्ड करेगा तो ओवरड्राफ्ट के केस में उल्टा और पेमेंट दिखाने से तेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस और बढ़ेगा, इसलिए वहां पर पेमेंट रिकॉर्ड करते वक्त लेस होता था और यहां पर पेमेंट रिकॉर्ड करते वक्त ऐड होगा। क्या आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ओवरड्राफ्ट का? एवरीवन बढ़ूं अगले ट्रांजेक्शन पे, श्योर बेटा? देखो अगला क्या बोला है, बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है दोनों एकदम ही सिमिलर है, एकदम ही सिमिलर है, एकदम ही सिमिलर है। मतलब क्या, आपको उसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा था, एकदम सिमिलर है। क्या हो गया वहां पर, आपके इसमें क्या कट चुका था, इंटरेस्ट, अब क्या कट हो रहा है, चार्जेस। आपको समझते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड चार्जेस। अगर आपका 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स हो चुका रहेगा, आपने वहां पे कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा रहेगा, बट कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं वो आपको काफी बार एंसिलरी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसको हम एजेंसी सर्विसेज भी कहते थे। बैंक आपको काफी बार एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करती है जो उसका मेन पर्पज नहीं है, मेन काम नहीं है, मेन काम छोड़कर बैंक आपको और एक्स्ट्रा कुछ काम करके देती है, जैसे चेक क्लियरिंग कराना, एटीएम सर्विस देना, डिमांड ड्राफ्ट की सर्विस देना, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बेनिफिट्स देना, ये सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है जो बैंक आपके लिए प्रोवाइड करती है। तो इन फैसिलिटीज के लिए बैंक आपसे क्या लेती है, चार्जेस। बैंक चार्जेस क्यों लेती है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रही है।
बट बेटा इंटरेस्ट लेना एक्स्ट्रा नहीं, इंटरेस्ट तो मेन बैंक की कमाई है। बैंक आपसे इंटरेस्ट कब लेगा, जब वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेंड कर रहा है, आपको इनडायरेक्टली पैसा दे रहा है डायरेक्टली। जैसे बैंक आपको लोन देता है तो उस लोन में क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। आपको लगता है बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देता है, ओवरड्राफ्ट देगा भी एक तरीके का, बैंक आपको लोन ही देगा और बैंक उसके ऊपर भी आपसे क्या मांगने का अधिकार रखता है, इंटरेस्ट। उसके बाद आप देख सकते हो बिल डिस्काउंट कराना, बिल डिस्काउंट कराते बैंक आपको डिस्काउंट चार्जेस लेता है, तो वो भी एक तरीके से इंटरेस्ट की ही नेचर के होते हैं आपसे, क्योंकि इनडायरेक्टली बैंक आपको क्या कर रहा है, लोन दे रहा है जब आप बिल डिस्काउंट कराते हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंटरेस्ट और चार्जेस का नेचर अलग है। इंटरेस्ट लोन और लेंडिंग के ऊपर लिया जाता है जब बैंक आपको लेंड करती है, चार्जेस बैंक आपसे फैसिलिटी जब देती तब आपसे लेती है। तो आपसे इंटरेस्ट ले बैंक या चार्जेस ले बैंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भले कॉन्सेप्चुअली दोनों अलग ट्रांजेक्शन है बट मैथमेटिकली अगर बात करूं तो उसका इफेक्ट सेम है, क्योंकि चार्जेस भी आपके बैंक बैलेंस में से कट जाता है पेमेंट और बैंक इंटरेस्ट भी आपके लिए पेमेंट ही है। तो ऊपर वाला बैंक इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन था, अब चार्जेस का था। सिमिलरली चार्जेस कहाँ पे दिख रहे हैं, पासबुक में। सही कौन है, पासबुक। पासबुक सही है तो पासबुक में जो किया हम भी वो रिकॉर्ड करेंगे, तो पासबुक ने क्या दिखाया, पेमेंट दिखाया, तो हम भी पेमेंट दिखाएंगे, तो हम पेमेंट दिखाएंगे तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। बट ए बिल संभल जा जरा, क्योंकि इस समय क्या है, ओवरड्राफ्ट है, तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप वापस आके ऐड में सेम ट्रांजेक्शन आ जाएगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, डन क्या। कितना अमाउंट था आपका बैंक चार्जेस का, मतलब है राइट, इट वॉज 400 रुपीज। चलो बढ़ूं आगे। चलो बेटा अगला ट्रांजेक्शन हम देखेंगे क्विकली। अब देख सकते हो चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 मार्च 2017 अमाउंटिंग टू 11,68,000। आपको कहा है कि आपने चेक इशू किया हुआ था, दिख रहा है सबको कितने का चेक इशू किया था आप लोगों ने, 11,68,000 का, बट नॉट कैश। अब इसमें मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड होता है, चेक इशू बट नॉट एनकैश होता है, जिसको यहाँ पे कैश बोल दिया। मतलब आपने कौन सा तरीके का चेक दिया रहेगा, बेरर, जो शायद अभी तक सामने वाले ने एनकैश कराया नहीं है। बट मुद्दा ये, मैं चेक इशू कर चुका हूँ, चेक इशू करना क्या था मेरे लिए, पेमेंट। ये पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, मेरी कैश बुक में। पर चेक इनकैश हुआ नहीं है, तो सामने वाले पासबुक में देख नहीं रहा। सही कौन है, पासबुक। किसके जैसा बनना है, पासबुक। पासबुक ने रिकॉर्ड किया है क्या, नहीं। ये पेमेंट किसने रिकॉर्ड किया है, कैशबुक ने। तो हमें इस पेमेंट को क्या करना पड़ेगा, कैंसल। पेमेंट कैसे कैंसल होता है, ऐड करके, इजंट इट सो। पेमेंट कैसे कैंसल होता है, ऐड करके। पर ओवरड्राफ्ट में तो मैं क्या करूंगा, लेस। तो लेस में जाके लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट एन कैश या कैश्ड। अब देखेंगे अमाउंट थी 11,68,000। बड़ी बड़ी बात है, अपन छोटे मोटे सम करते हैं, वो बहुत हो गए चंदी वाले दिन, 100-250 रुपए। डायरेक्ट अमाउंट कितनी आई, 11,68,000। बढ़ूंगा के आ जाओ, चेक पेड इनटू बैंक, वापस गड़बड़ नहीं, पेड मतलब इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड, बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर, वर फॉर बीस 22,17,000। हम छोटी बातें करते ही नहीं, 22,17,000 के चेक क्या हुए, क्लियर कट बोला उन्होंने, आपने क्या किए, डिपॉजिट किए, बट क्लियर हुए नहीं है। वापस आओ, डिपॉजिट करना, रिसिप्ट पेमेंट है, रिसिप्ट है। किसके बुक में रिकॉर्ड किया, कैश बुक। सही कौन है, पासबुक। पासबुक में रिकॉर्डेड है क्या, ना। तो हम क्या करेंगे, कैंसल। किसे कैंसल करेंगे, रिसिप्ट को। रिसिप्ट को कैसे कैंसिल किया जाता है, लेस करके। बट ओवरड्राफ्ट को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सबको ओवरड्राफ्ट के सब सिंपल जा रहे हैं क्या, ओवरड्राफ्ट कुछ अलग भी नहीं है, नॉर्मली था, सिर्फ आंसर रिवर्स कर देना है, क्योंकि आपको बताना चाहिए ऊपर का बैलेंस आपका है। भले हम उसका नेगेटिव साइन नहीं देंगे कभी, वी वॉन्ट रिप्रेजेंट इट विद द माइनस साइन, बट हमें पता है कि वो बैलेंस कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। बढ़ू आगे, तो आपने अमाउंट देख ली, उसके अमाउंट कितनी थी, 22,70,000।
उसके बाद आप देख सकते हैं आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिट इन पासबुक 12 लाख, खतरनाक, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बेटा 12 लाख रुपए की मुर्गी नहीं, 12 लाख रुपए की मुर्गी की अंडी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है भाई, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, बड़ा आदमी लग रहा है मिस्टर है। सब देखोगे इसके 12 लाख रुपए 12 लाख रुपीज का क्या मिल रहा है उसको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 12 लाख रुपीज का है तो ये है क्या, रिसिप्ट है, कहाँ रिकॉर्डेड है, पासबुक में, सही कौन है, पासबुक है, वाह। तो पासबुक से तो हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, किसे रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट को। रिसिप्ट को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ऐड करके। पर ओवरड्राफ्ट इसलिए हम क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे, तो लेस पे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, सब लोग। और अमाउंट कितनी थी उसकी, 12 लैक्स हो गया सर, टोटल कर लेंगे तो। चलो आप लोग कैलकुलेटर पर फ्रैक्शन टोटल करें तो आपको पता है, हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे तो आपको तो ये 22,17,000 है और ऊपर 460 चिल्लर पे 22,17,560 आ गया, डन क्या। तो फिर आप इसकी टोटल ले लोगे इधर तो 6,340 था, बढ़ गया, चलो 40,60,100 रुपये हो गया, बढ़ गया ऊपर 100 गया, 300 आने के 400 500 कितना हो गया, 900 हो गया, और 6,000 इसमें हमने अगर ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 17 में 6 ऐड किया 23 और ऊपर का 17 लैक्स तो है, तो आपका सॉरी 22 लैक्स तो है, तो आपका 22 लैक्स जो 17,560 का हो गया, 22 लैक्स 23,900 हो गया। उसमें से इसकी टोटल ले लेते हैं क्विकली जो हमें लेस करने थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट है, 11 and 12 लाख से कम गया 23,68,000। ये इसमें से क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। अब आ गया मजेदार सुपर डुपर से ऊपर वाला केस। अब नेगेटिव की टोटल आ रही है 23,68,000, पॉजिटिव की टोटल आ रही है आप लोगों की कितनी, 22,23,900। समझ में आ रहा है क्या। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आप माइनस करेंगे, माइनस समझ सकते, माइनस करेंगे मतलब इधर से 100 गया, इधर कितना बचा, 100 बच गया, राइट क्या, पक्का। और अगर आपका 68 में से मतलब 67 में से 23 गया, तो 7 से 3 गया कितना आया 4, और इधर कितना आ गया 4, और इधर कितना आ गया 1 लाख, है क्या, राइट। अगर आप इधर ऐड करेंगे 1,44,100 आपका अमाउंट आना चाहिए, है क्या, सबका आ रहा है कि 1,44,000 क्रॉस वेरीफाई कर लेगा हमारा आपसे, इवन हम कैस कैलकुलेटर से तो भी क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। देखो 900+100 क्या हो गया, 1000, मन ऊपर इधर कितना हो गया 4 कितना हो गया 8 और ये 6 एंड 4 × 2 कितना हो गया 6, मतलब ये दोनों छोटे अमाउंट की टोटल यहाँ पर आ रही है क्या, और 22 और 1 कितना हो गया 1,44,100। बट क्या आया, नेगेटिव आया। पहली बात समझ, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक था, तो ये जो आ रहा है ये बैलेंस एज पर पासबुक है, बट सवाल है ओवरड्राफ्ट की बैंक बैलेंस है, जल्दी बोलो फास्ट। हमने लिखा है 5th रूल के अंदर, चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो पीछे जाकर, 5th रूल में मेंशन है कि अगर आपका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया तो आंसर रिवर्स हो जाता है, मतलब ओवरड्राफ्ट से सम शुरू किया था बट आंसर क्या आया, नेगेटिव, तो अब ये क्या बन गया आपका, ओवरड्राफ्ट नहीं है, मतलब क्या आ गया, बैंक बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक। देखो ये चीज तो नहीं बदलना, वो कैशबुक था तो ये क्या बनेगा, पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से 1,44,100 क्या है, बनेगा। इसका मतलब 31 December 2017 को जब मैं कैशबुक और पासबुक कंपेयर कर रहा था तो कैशबुक के हिसाब से 6,340 रुपीज का ओवरड्राफ्ट था, बट पासबुक कह रहा था कि ना ओवरड्राफ्ट नहीं, उल्टा क्या है, बैंक बैलेंस है 1,44,100 का। इज दैट वेरी क्लियर, सबको ये वाला बात समझ आए। चलो क्विकली नोट डाउन करें फास्ट। फाइन, सो आई होप आप लोगों ने ये वाला सम सॉल्व कर लिया रहेगा। तो अभी अभी जो हमने सम कवर किया था
दैट वाज ओवरड्राफ्ट वाला सम कवर किया था जिसमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का एक सम हमने देखा है. अब हम क्विकली आगे बढ़ेंगे और हम एक और एक सम लेंगे जिसमें हम ओवरड्राफ्ट एज पर हम लोग ओवरड्राफ्ट एज पर क्या कवर करने की कोशिश करेंगे. कैश बुक का ही मैं एक और एक सम लेना चाहूंगा ताकि हमारा डिस्कशन थोड़ा हेल्दी रहे एंड शायद आपके पढ़ते वक्त और कोई कंसर्न रहेंगे जो डाउट्स रहेंगे वो आगे हम ग्रेजुअली कवर कर लेंगे. डन श्योर. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन नंबर 5. सब लोग आ जाएं क्विकली बुक ओपन करें इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओपन करें क्विकली. आप लोग देख सकते हो इलस्ट्रेशन 5 में कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2017 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड. आपके क्वेश्चन में क्लियर कट दे दी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है और देख सकते हो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 24,45,900 रुपीज का दिया हुआ है. राइट क्या. अच्छा सो एज यूजुअल हम क्विकली स्टार्ट करेंगे. अब मैं थोड़ा स्पीड लूंगा अज्यूमिंग कि आप लोगों को थोड़ी चीजें बताऊंगी. तो सबको बता दूं इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और जिसकी शुरुआत होगी आपके पास बैंक बैलेंस के अपन उसे बैंक ओवरड्राफ्ट या टू बी वेरी प्रिसाइज हम सिर्फ उसे क्या लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. एक अबोर्ड दो दी पासबुक नहीं एज पर क्या है कैश बुक है सबके पास है सामने. तो मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है और वो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर जो कैश बुक दिया हुआ है उससे हमारा सम शुरू होगा. If I'm not wrong, the balance was 22,45,900, right? Exactly. So what I'll do is that, I have 22,45,900 bank balance on my note. Now, अपना background वही है. हम सब शुरू करने से पहले एक बार background वापस clear कर लेते हैं. मुझे किसके जैसा balance चाहिए? अब ढूंढना किसका balance है मुझे? Passbook का. मैं start कहाँ से कर रहा हूँ? Cashbook. कैशबुक को एड लेस करके अल्टर करके मैं किसके जैसा बैलेंस ढूंढना चाहूंगा पासबुक जैसा. तो मेरे सही कौन रहेगा पासबुक. फिलहाल ओवरड्राफ्ट के पॉइंट बाजू में रखें. हम लोग नॉर्मल सम सॉल्व कर रहे हैं. कैशबुक से मैं किसका बैलेंस ढूंढना चाह रहा हूँ पासबुक का. तो मैं पासबुक को सही मानूंगा पासबुक को सही मानूंगा पासबुक ने जो किया है मैं भी वही करूंगा. राइट है क्या. पर आपको पता है ओवरड्राफ्ट वाले तो जो नॉर्मल कोर्स में ऐड होगा वो लेस हो जाएगा. जो नॉर्मल बैंक बैलेंस के केस में लेस होता था वो ऐड हो जाएगा. एवरीवन बड़े क्विकली आगे आ जाए ट्रांजेक्शन पर. अब देख सकते हो आपको इलस्ट्रेशन 5 में आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड. सिमिलर पैटर्न का है. वर्ड यूज किया डेबिटेड बाय बैंक. अब आप शायद ये लैंग्वेज से अब तक कंफर्टेबल हो जाने चाहिए कि डेबिटेड बाय बैंक बोला मतलब क्या हो रहा है आप लोगों के चार्जेस मतलब पेमेंट पासबुक से पेमेंट जा रहा है. राइट क्या. क्लियर कट वहां पे बोला है डेबिटेड बाय बैंक और नो एडवाइस रिसीव्ड. इसको भी मैं पहले एलोबरेट कर चुका हूँ. एडवाइस एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें बैंक हमें इन्फॉर्म करता है कि हमने आपके अकाउंट में से इतने पैसे काट लिए और इतने जमा कर दिए जो भी हुआ रहेगा. सो बैंक हमें कम्युनिकेट करता है. तो कैसे कम्युनिकेट करता है एडवाइस. कह रहे नो एडवाइस रिसीव. इससे इजीली आपको कंक्लूड कर लेना चाहिए कि अगर एडवाइस रिसीव नहीं हुआ है मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली पैसा हमने कैश बुक में उसकी एंट्री की नहीं होगी क्योंकि हमें अभी तक तो पता नहीं. हमें एडवाइस मिलने के बाद पता चलेगा कि कैश बुक में क्या एंट्री आनी चाहिए. एवरीवन विद मी. चलो सो क्विकली आते हैं. सेम ट्रांजेक्शन है. पहली बात रिसिप्ट पेमेंट है आप ही बताएं. पेमेंट है इंटरेस्ट चार्ज हुआ है हमसे कौन सही है पासबुक. मैं शुरू कहां से कर रहा हूँ कैशबुक से. क्या ये ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्डेड है पासबुक में. सही कौन है पासबुक. उसने रिकॉर्ड किया मैं भी रिकॉर्ड करूंगा. उसने क्या रिकॉर्ड किया पेमेंट मैं भी रिकॉर्ड करूंगा पेमेंट. पेमेंट कैसे रिकॉर्ड होता है लेस ओके बट सिंस ये सब कौन सा है ओवरड्राफ्ट वाला है इसलिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. आगे सब लोग तो हम लोग ऐड में जाके क्या लिख देंगे वहां पर क्विकली क्या है बैंक ने आपसे क्या चार्ज किया हुआ है इंटरेस्ट. राइट क्या लिखेंगे हम लोग डेबिटेड इन पासबुक ओनली. हमें पता नहीं है कितना अमाउंट था बाय द वे इंटरेस्ट का जो बैंक ने वहां से आपको कहा हुआ है दैट इज 2,78,700. आपको तो आप छोटे मोटे काम अभी करते नहीं है वो चिंदी चिंदी अमाउंट नहीं लिखा भारी भर का अमाउंट है. इंटरेस्ट भी कितना लगा 2,78,800.
बढ़ूंगा आगे शॉप चले। अगला आपको बोला चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। सबको हम लोग बीआरएस जो बना रहे 31 दिसंबर 17 का बना रहा है, हमने चेक इशू किया बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, पता है आपको ये? तो अगर मैंने चेक इशू किया और जो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए क्या करेंगे उसका, अभी बताएं। चेक जो इशू और प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट करने के लिए वापस चेक इशू करना, रिसिप्ट पेमेंट है, जल्दी बोलो रिसिप्ट पेमेंट है, चेक इशू करना पेमेंट है, कहाँ रिकॉर्डेड है कैश बुक में, बट सही कौन है पासबुक, क्या पासबुक में रिकॉर्डेड है, नहीं, तो इस पेमेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड या दिखने का कोई अधिकार हक नहीं है, तो हम इस पेमेंट को क्या करेंगे कैंसिल। पेमेंट कैसे कैंसिल होता है, ऐड करके, बट ओवरड्राफ्ट इसलिए हम क्या करेंगे लेस करेंगे। क्लियर है सबको, क्या आएगा चेक इशूड बट नॉट क्या presented for payment done। अब देख सकते हो कितने रुपए का चेक इशूड था और प्रेजेंट नहीं हुआ था पेमेंट के लिए, दैट वॉज आप लोगों का 6,60,000 रुपीज का, डन क्या। नेक्स्ट आ जाऊंगा क्विकली, अब देख सकते हो उसके बाद आपको जो अगला ट्रांजेक्शन दिया है कहा गया है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव। अभी थोड़ा कुछ अलग तरीके का देखो, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक बट नॉट एडवाइज्ड टू द कंपनी, क्या हो गया आपको बताया इस तरीके का। हमने फॉर एग्जाम्पल को हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते रहेंगे, यूजली एक्सपोर्ट होता है, तो जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट करना चाहती है और एक्सपोर्ट करो, अच्छी बात है, सबको ये चीज समझती होगी कि एक्सपोर्ट गवर्नमेंट चाहती है कि लोग करें ताकि वो फेवरेबल हो, अपने एक शब्द सुना रहेगा इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बना रहे हैं, दैट इज हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी हमारे कंट्री में अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारे कंट्री से अगर मैं कल जाके यूएस में एक्सपोर्ट करता हूँ तो यूएस वाले बंदे को मैं उसको बेचूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा मतलब बेचूंगा। आई होप एवरीवन, एक्सपोर्ट इज सेल एंड इम्पोर्ट इज परचेज, ये समझते हैं सबको, एक्सपोर्ट इज सेल इन अनदर कंट्री एंड इम्पोर्ट इज परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। तो अगर मैंने सेल किया किसी और कंट्री में, अगर मैंने सेल किया इस चीज को, तो अब मैंने यूएस में सेल किया तो यूएस वाला बंदे को मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा, वो मेरे को पेमेंट कैसे देगा डॉलर्स में, जब वो डॉलर्स देगा तो मेरे पास यहाँ पे डॉलर्स आएंगे जिसको मैं रुपीज में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरी कंट्री के सेंट्रल बैंक आरबीआई को डॉलर्स मिलेंगे, तो गवर्नमेंट चाहे कि ज्यादा डॉलर्स आए, ज्यादा बाहर की कंट्री की करेंसी आए, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात होती है, इसको हम कहते हैं कि इससे हमारी फिस्कल पॉलिसीज मॉनेटरी पॉलिसीज को बेनिफिट मिलता है डिसाइड करने में गवर्नमेंट को, तो हेंस हम एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन ट्रेडर उन मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज देती है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, तो ये टाइप की सब्सिडी तब मिलती है। देखो क्या वर्ड यूज किया गया है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मे बी आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा रहेगा आपके गुड्स को इधर से उधर लेके जाने का या आपको पोर्ट लेके जाने का, वो पूरा पैसा से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट आपको रिटर्न दे देती होगी, तो ये सब्सिडी बाद में गवर्नमेंट एक टाइम तक आपके खाते में जमा कर देती है, तो हमारे खाते में पैसे आ गए बट हमें पता नहीं चला क्योंकि बैंक ने हमें एडवाइस किया नहीं था, भेजा नहीं था, वो एडवाइस नहीं भेजा था। शॉर्ट एंड स्वीट, इट इज सिमिलर टू डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन टू आवर बैंक, जैसे कस्टमर हमारे खाते में डायरेक्टली पैसे जमा कर देता था, इस बार बैंक ने हमारे खाते में डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए, तो हमारे खाते में डायरेक्ट पैसे आए हैं और वो पैसे कहाँ रिकॉर्डेड होंगे, पासबुक में। आ जाओ चलो क्विकली रूल्स अप्लाई करते हैं, पासबुक में रिकॉर्डेड रहेगा, रिसिप्ट पेमेंट है रिसिप्ट है, कहाँ रिकॉर्डेड है पासबुक में, सही कौन पासबुक, उसने रिसिप्ट को रिकॉर्ड किया हम भी रिसिप्ट रिकॉर्ड करेंगे, हम रिसिप्ट रिकॉर्ड कैसे करते हैं यूजुअली ऐड करके, ओवरड्राफ्ट इसलिए क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, लेस करने का लॉजिक क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करो तो वो रिसिप्ट जो कहाँ पे रिकॉर्डेड है पासबुक में, मैं किस में रिकॉर्ड करूंगा कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड करने से वो रिसिप्ट जितना दिखाऊंगा मेरा जो इतना भयंकर नेगेटिव बैलेंस है इतना ज्यादा मेरा ओवरड्राफ्ट है वो उतने से क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, इसलिए हम उसे अल्टीमेटली क्या करेंगे लेस करेंगे, राइट। क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी recorded in passbook only, अब इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हो not recorded in cash book, एक ही बात हो गई। कितना आया आपको सब्सिडी कितने रुपीज का मतलब आपको 14,25,000 रुपीज का, सब लोग मेरे साथ हैं आप बड़ू बेटी आ गए,
फिर आप लोगों को उसके बाद क्या दिया हुआ है, आ जाए क्विक है, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 2017। अब आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो, इसमें ज्यादा जनरल नॉलेज वाली चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ। बच्चा लोग आपको आपने बोला ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट, अच्छे अच्छे से शब्द पकड़े, बट नॉट क्रेडिटेड, राइट। अब होता क्या है, ड्राफ्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं लोग, डिमांड ड्राफ्ट। अब दो मिनट समझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जिसको प्यार से डीडी कहते हैं, और चेक कहते हैं। बेटा डिमांड ड्राफ्ट एक चेक जैसा ही होता है। से फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल जाकर मेरा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये जाके गवर्नमेंट को फॉर एग्जाम्पल कोई अमाउंट पे करनी है। गवर्नमेंट बोलेगी यार जुगल तू पे कर दे, तो मैं बोला ठीक है काम करो चेक ले लो। तो गवर्नमेंट बोलती नहीं यार, से फॉर एग्जाम्पल बोलते हम चेक नहीं लेंगे, कल जाके बाउंस बाउंस हो गया, हम तेरे को आज रिसिप्ट दे देंगे कि तूने हमको पैसे दे दिए, कल जाके चेक बाउंस हो गया तो हम तेरे पीछे कहाँ लगा पड़े लगे पड़े। तो मैं उनको कहता हूँ अरे गवर्नमेंट चिंता मत करो, मैं पक्का मेरा चेक क्लियर होगा, क्या भरोसा है मेरे पे, भरोसा है मेरे पे, भरोसा है, अरे चेक क्लियर हो गया, सच्ची क्लियर होगा, टेंशन मत लो। जब तक आप लोगों का साथ है, बच्चों का साथ है, मेरा चेक क्लियर होने वाला है, गवर्नमेंट तुम क्यों चिंता करते हो। तो गवर्नमेंट बोलते हैं हमको भरोसा नहीं है, मतलब बच्चों पर भरोसा, मेरे पे भरोसा नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है कि काम कर जो है तू एक चेक मत दे, तो वो इतना ही कॉन्फिडेंस है ना तेरा चेक क्लियर होगा ना तेरे खाते में पैसा पड़ा ना, तो डी डी लेकर डिमांड ड्राफ्ट लेके आ। मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं चेक बनाया रहता तो जिस सामने वाले को चेक दे रहा हूँ उसका नाम लिखता उस चेक पे। सिर्फ एग्जाम्पल इस बार गवर्नमेंट के नाम पे चेक बना रहा हूँ, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के नाम से समझ चेक बना रहा था मैं, तो ये लोग मुझे क्या कह रहे, तू बैंक में जाओ और डी डी लेकर। डी डी निकालना मतलब क्या, मैं बैंक में जाऊँगा, समझो डी डी 1 लाख रुपये का चेक, 1 लाख रुपये का था, मैं बैंक को बोलूँगा ये लो 1 लाख रुपये लो और मेरे को 1 लाख रुपये का डी डी बना के दो, जिसपे नाम वही रहेगा सामने वाले का जिसको देने का। मतलब क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, अब वो जो डी डी है, डी डी फ्रेंकली स्पीकिंग जब आप डी डी देखोगे ना वो डिटो लाइक चेक है। अब बहुत मुश्किल से डिफरेंस आइडेंटिफाई करोगे, मैं एक चेक और एक डिमांड ड्राफ्ट बाजू में रखूँ तो शायद आप मुश्किल से दोनों का सेग्रीगेशन समझ पाओगे कि ये चेक है नहीं डिमांड ड्राफ्ट है, डिटो सेम रहता है। तो डिमांड ड्राफ्ट एक चेक ही है जिसमें सामने वाले का ही नाम लिखा है, पर इट इज सेड टू बी अ प्रीपेड चेक। प्रीपेड चेक मतलब क्या, डिमांड ड्राफ्ट को मैं प्रीपेड चेक नाम से क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि डी डी निकालने के लिए पहले मुझे उतना पूरा पैसा बैंक को देना पड़ता है, तब बैंक को डी डी प्रिंट करके देता है। अब जो डी डी जाके मैं किसको दूंगा, गवर्नमेंट को या जिस भी थर्ड पार्टी को जिसको मुझे देना है, उसका नाम उसको ऑलरेडी पहले प्रिंटेड रहेगा, मैंने बैंक से निकलवाते वक्त उसके ऊपर वो नाम प्रिंट करा के ले लिया है। वो जब मैं बैंक को दूंगा, सामने वाले पार्टी को दूंगा, तो डी डी का भी बाउंस हो ही नहीं सकता। डिमांड ड्राफ्ट बाउंस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट निकलता ही कब है, जब आप उतने अमाउंट उस बैंक को जमा करते हो। जब वो बंदा उस डीडी जिसको मैं सामने लगू, इस मेरे एग्जांपल में जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मैं डीडी दे रहा हूँ, या कल जाके किसी कंपनी को दे रहा हूँ, या किसी मेरे क्रेडिटर को डीडी दे रहा हूँ, तो जिस भी बंदे को मैं डीडी दे रहा हूँ वो डीडी को जैसे चेक डिपॉजिट किया जाता है खाते में, वो अपने खाते में डीडी डिपॉजिट करेगा, पेन स्लिप वगैरह भर के जो प्रोसीजर है वो डीडी डिपॉजिट करेगा, और डीडी 110% क्या होगा, क्लियर होगा, वो बाउंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उतना पैसा मैं पहले दे चुका हूँ। नॉर्मली जब हम किसी के बंदे के नाम पे चेक बनाते तो शायद हमारे बैंक में उतना बैलेंस होना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तब चेक दे सकते उसको। हाँ लोग काफी बार ऐसे ही चेक दे देते हैं और जब वो क्लियरिंग को जाने वाला रहता है तब तक खाते में पैसा जमा कर देते हैं, पर डीडी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपको पहले कैश जमा करना पड़ता है, उतना अमाउंट देना पड़ता है, देन डीडी प्रिंट होकर मिलता है। इज दैट वेरी क्लियर। अब मैं डीडी और चेक देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, ये ट्रांजेक्शन डीडी मिलने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है, कि जैसे चेक मिलता है वैसे हम डीडी मिलता है, तो दोनों का प्रोसीजर सेम ही है, जाके बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, हमने डीडी डिमांड ड्राफ्ट को क्या किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, समथिंग डिटो लाइक चेक का होता है। आपको याद है मैं बार बार कहता आ रहा हूँ इस चैप्टर में नया ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजेक्शन वही है, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके देते, यहाँ पर भी वही हुआ। जैसे आप कहते थे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, वैसे ही डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, सिंपल। जैसे चेक जमा होता था वैसे ही क्या जमा हो रहा है, डीडी जमा हो रहा है। रिपीट, क्लियर है सबको ये बात, बढ़ूंगा कि मैं आई होप नीड नॉट टू रिपीट एवरीवन विद मी। चल तो हुआ क्या, ये डीडी मैंने बैंक में जाके जमा किया है बट अभी तक क्रेडिट हुआ नहीं, मतलब कलेक्ट नहीं हुआ है वापस। चलो रूल्स अप्लाई करते हैं, डीडी जमा करना रिसिप्ट पेमेंट है, रिसिप्ट है कौन सही है मेरे लिए, पासबुक, पासबुक में दिख रहा है क्या, नहीं। कहाँ दिख रहा है, कैशबुक में, कैशबुक में दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। किसे कैंसिल कर रहा हूँ, रिसिप्ट को। रिसिप्ट कैसे कैंसिल होता है, लेस करके, बट ओवरड्राफ्ट है तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो ऐड में जाके लिखूंगा क्या, ड्राफ्ट
deposited but not credited in as book. आगे सब लोग बढ़ू आगे शॉप पक्का चलो कितना अमाउंट था ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का आ जाओ आगे सब लोग दैट इज कितना गया उसका 13,50,000 रुपीस बड़ा ही भारी भरकम समय हमारा बड़ी बड़ी अमाउंट था एवरीवन विद मी चल क्विकली बिल्स फॉर कलेक्शन क्रिएटेड बाय बैंक टिल 31st December बट नो एडवाइस वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी आई होप सबने सुना है हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं बैंक के पास तो हमने बैंक के पास क्या भेजा बिल भेजा क्या करने के लिए कलेक्शन बैंक ने कलेक्ट कर लिया कि वो बिल मैच्योरिटी डेट पे आंसर इज यस बट हमें क्या नहीं भेजा बैंक ने एडवाइस नहीं भेजा मतलब हमें पता ही नहीं चला कि वो बिल ऑनर हो चुका है और हमारे खाते में पैसा आ चुका है ट्रांजेक्शन समझाए रूल अप्लाई करें कौन सही है पासबुक ये ट्रांजेक्शन रिसिप्ट पेमेंट है रिसिप्ट है कहाँ रिकॉर्डेड है ये ट्रांजेक्शन कैशबुक में कि पासबुक में तू ही बता पासबुक में सही कौन है पासबुक पासबुक में रिसिप्ट दिख रहा है तो मैं भी वो रिसिप्ट रिकॉर्ड करूंगा रिकॉर्ड कैसे करूंगा रिसिप्ट ऐड करके ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे लेस करके तो लेस में जाके लिखेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन कॉमा कलेक्टेड बरे क्या बाय कौन बैंक राइट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या कैश बुक कितना अमाउंट था आप लोगों का बिल्स फॉर कलेक्शन 8,36,000 सो 8,36,000 हम यहां पे क्या करेंगे लेस करेंगे एवरीवन विद मी है मेरे साथ सच्ची सच्ची चल डन आ जाओ आखिरी ट्रांजेक्शन अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल एरर है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनीज अकाउंट बाय बैंक ये एरर किसने किया है बैंक ने किया है कहा एरर हुआ है पासबुक में रॉन्गली डेबिट किधर करके रखा है बैंक ने अभी आप समझे बैंक अगर डेबिट कर रहा है पासबुक में तो रिसिप्ट पेमेंट है बैंक अगर डेबिट कर रहा है पासबुक में रिसिप्ट पेमेंट है पेमेंट है कहां दिख रहा है ये पेमेंट बताओ जल्दी कहां दिख रहा है ये पेमेंट पासबुक में एवरीवन विद मी शॉप डन ये पेमेंट कहां अपीयर हो रहा है पासबुक में तो कौन सही है हमारे लिए फिलहाल आ जाओ वापस पासबुक पासबुक में पेमेंट दिखाया हम भी पेमेंट दिखाएंगे हम पेमेंट कैसे दिखाएंगे लेस करके सम कौन सा है ओवरड्राफ्ट का तो क्या हो जाएगा रॉन्ग डेबिट इन पासबुक इसका था कितने रुपीज का था बाय द वे रॉन्ग डेबिट इन पासबुक 7,40,000 सिंपल टोटल निकाले चलो आप लोग फटाक से आपके साइड पे कैलकुलेटर पे टोटल निकालें आपको दे 7,40,000 है ये 13,58,270 चलो 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 जल्दी आपके कैलकुलेटर्स की स्पीड नीचे मैं ओरल कैलकुलेशन करूंगा मेरे स्पीड से आप करें आपके कैलकुलेटर पे आपको आता है अपन पीछे से चालू करते हैं पहले चिल्लर कर लिया 100 ऐड कर गया थाउजेंड्स में ऐड किया 78, 50 and 40 तो एक चीज तो क्लियर है भाई यहाँ पे 8,000 आएगा फिर 7,5 and 4 दैट इज 16 वन ऊपर आ गया वहां पर पक्का सच्ची राइट ना तो 7 एंड दिस इज 4 एंड 4 9 9 प्लस 7 इज 16 वन ऊपर आ गया तो 2 लाख स्टार्ट हुआ नहीं कितना गया 3 3 एंड दैट इज राइट 16 16 एंड 7 इज 23 तो टोटल कितनी आ गई 23,68,700 चलो ऐड कर दिया टोटल में तो ये कितना आ गया 600 इज हंड्रेड सो तो आपको पता है यहाँ पर 917 कितना हो गया 601 ऊपर आ गया तो 6 and 8 कितना हो गया 14 वन ऊपर गया वन ऑफ द 4 and 5, 5 and 6 is 11 वापस वन ऊपर गया तो 3 and 3 is 6 and 2 and 2 is 4 तो 46,14,000 है क्या 46,14,600
पिक्चरों फटाक से लेस की टोटल एकदम क्विकली बिल्कुल टाइम पास है। 1000 एंड की लास्ट में 16, 25 एंड 36 है, तो आप सबको पता है यहाँ पर लास्ट में 1000 आ गया, 5 एंड 6 इधर ऊपर एक चला गया, 6 एंड 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, 1 ऊपर तो 6 एंड 20, 21, 21 एंड 8 इज 29, तब की टोटल कितनी आ गई 29,21,000 खत्म सिंपल। यहाँ पे लास्ट में एज इट इज 600 आ गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, अब यहाँ पे 46,14,000 में से जब मैंने 46,21 माइनस किया तो आप देख सकते हो कि आपका जो सीधा डिफरेंस आ जाता है वो कितना आ जाता है, यहाँ पर 9 आ गया और ये 16,93, दैट इज 46 में से 28 गया, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 16, तो 16,93,600। इसको मैं नाम क्या दूंगा, पहली बार आराम से देखें पिछले सम और सबको कंपेयर करें, ये इसमें से ये माइनस का आंसर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव रहा मतलब बैंक बैलेंस होता है क्या, नहीं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट में पॉजिटिव है तो इट इज स्टिल ओवरड्राफ्ट है, बट एज पर क्या रहेगा पासबुक, इज दैट वेरी क्लियर, पक्का डन शॉर्ट, दिस इज बिकम्स योर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो यहां पर हमने दो सम्स कवर किए, दो सम्स किसके रिगार्डिंग थे, दो सम किसके रिगार्डिंग थे आप लोगों के, दीज वर रिगार्डिंग, यू कैन सी दैट ऑल काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट 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 एंड दोनों सम मैंने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वाले फिलहाल के लिए लिए हुए, इज दैट वेरी क्लियर, बढ़ू आगे, श्योर डन ठीक है, क्विकली अपडेट करें बिल्कुल। बाय द मीन टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस देके रखता हूँ जो लोग आप आपके साइड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस जो आपको अभी तक प्रैक्टिस करने हैं इसके जो भी डाउट्स होंगे मैं रेगुलर लेक्चर्स जब शुरू हो जाएंगे तब डिस्कस करूंगा, बट आपको कुछ सम्स में देके रख सकता हूँ कि आप वो तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 आपको आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है, इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस नोट करके दे रहा हूँ, आप चाहें तो अपने साइड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी उसमें से आप देख लें कुछ इलस्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने क्लास में करा लिए हैं तो जरूरत नहीं है, जैसे इलस्ट्रेशन 1 हो चुका है राइट, इलस्ट्रेशन 1 हो चुका है, इलस्ट्रेशन पहला 2 हो चुका है, दूसरा 2 हो चुका है, 8 और 11 ये क्वेश्चन आप लोग आपके साइड से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूं तो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 ये होमवर्क हो चुका है मुझे पता है, मैं लिस्ट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे रहा हूं, 9 के बाद 11 से आगे सब 11, 12, 13 और 14 ये क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई बाय द मीन टाइम, आप लोग आपके साइड से एक बार घर पे ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस और इसमें जो भी पेंडिंग डाउट्स हैं वो लोग हम रेगुलर लेक्चर में कवर करेंगे, ये सम्स मैंने अभी तक ओवरड्राफ्ट के सम्स नहीं लिए, नेक्स्ट लेक्चर में ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वाले सम्स शुरू करूंगा और फिर उसका ओवरड्राफ्ट वाले सम्स लेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में वी आर फाइनली गोइंग टू स्टार्ट विथ amended cash book जो प्योरली नया कॉन्सेप्ट है which is very different from your 11th standard, आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं था और वो मेन पार्ट हम शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द प्रोबेबली उसमें पासबुक वाला पार्ट और एक अलग तरीके का सम वो कवर करने की कोशिश करेंगे, वो सबने अपडेट कर लिए मार्क करके रखिए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब बाय द मीन टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, डाउट्स पेंडिंग रखेंगे, रेगुलर लेक्चर जब शुरू होंगे तब मैं आपके सारे डाउट्स 1-to-1 पर्सनली अटेंड करूँगा, फाइन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।